दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं केएस फील्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की 400 दिनों की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने पर आपको 8.05% मैक्सिमम ब्याज कैसे मिलता है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको अपने मोबाइल फ़ोन से 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करके दिखाने वाला हूं। अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, पंजाब नेशनल बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो ऐसे में आप घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो ऐसे में आपको पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है एफडी करानी होगी, वहां पर जाकर करानी होगी। पर अगर आप पहले से कस्टमर हैं पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के, तो आप घर से एफडी को कर सकते हैं। तो सब कुछ हम लाइव प्रूफ देखने वाले हैं, 2 मिनट का समय भी नहीं लगता है एफडी करने में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर जो आपको ब्याज मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, ठीक है, मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है सबसे पहले वो हम देखेंगे और उसके बाद आपको लाइव प्रूफ मोबाइल फ़ोन से एफडी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का जो पोर्टल है यानी कि वेबसाइट है उसको ओपन किया है, ये आपके सामने है। और यहाँ पर ये एफडी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक यानी कि घरेलू ब्याज दर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इसमें भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 3 करोड़ यानी कि 3 करोड़ से कम की अगर आप एफडी कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 1,000 की एफडी होती है और मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने की कर सकते हैं। पर अगर आपकी एफडी 1,000 से लेकर 3 करोड़ रुपये के बीच है तो आपको ये वाला ब्याज दर देखना है, और अगर आपकी एफडी 3 करोड़ से ज़्यादा है तो ये वाला ब्याज देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर एफडी है ना, फर्स्ट वाली 3 करोड़ से कम वाली, तो मैक्सिमम लोग इसी एफडी को करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एफडी की ब्याज दर है ये 10/6/2024 यानी कि 10 जून से जो है वो लागू है ब्याज दर। यानी कि आपको पता है कि दोस्तों बैंकों के भी ब्याज दर समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ऐसे में मौजूदा समय में ये वाली ब्याज है और सभी जगह आपको ये ब्याज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम। अब इसमें भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर भी आपको ना अलग अलग तरीके से स्कीम देखने को मिलती है। जैसा कि यहां पर आप देखेंगे आपको 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं ना, ये 3 सेक्शन क्यों है सबसे पहले वो भी देख लें। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, पहला जो सेक्शन है ना ये वाला, तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जर्नल, ठीक है, ये पब्लिक है ना, पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब है जिन लोगों की एज 60 साल से कम है उनको ये वाला ब्याज मिलेगा पब्लिक वाला। ऐसे वो लोग जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है उनको ये वाला ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन वाला। और ऐसे वो लोग जो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है उनको ये वाला ब्याज मिलेगा। तो तीनों कैटेगरी के ब्याज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 400 दिनों की एफडी पर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम बताया गया है कि 10 साल तक के लिए आप एफडी कर सकते हैं और सारी ब्याज दर देखने को मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर जब आप आएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो एफडी है ना, जो एफडी यहाँ पर आपको 400 दिन वाली एफडी जो ब्याज दे रही है ना, ऐसा ब्याज आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में जो सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली एफडी है वो 400 दिन की है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 300 दिन की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 400 दिन की एफडी है, इसी एफडी को हम करने वाले हैं और इसी एफडी के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 400 दिन की एफडी है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको ब्याज मिलेगा 7.25%, और ऐसे ही अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है आपको ब्याज मिलेगा 7.75%, और ऐसे ही अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों 8.05%, यानी कि पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप समझ गए, और ये ब्याज दर आप एफडी करते समय भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलें दोस्तों अब हम यहाँ से इसको कर देते हैं बंद और यहाँ पर हम करते हैं अपनी एफडी को शुरू। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एफडी करने से पहले, ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक सर्च करना पड़ेगा PNB, ठीक है, PNB1 नाम का एक ऐप आता है। ये जो ऐप है ना दोस्तों PNB1, ये पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल ऐप है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके साथ साथ आपकी पासबुक में आपकी एक कस्टमर आईडी होती है, उसको देखकर वो डालना है। उसको डालने के बाद दोस्तों आप यहां पर लॉगिन हो जाते हैं, और लॉगिन होने के बाद इसको ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक अपना सिक्योरिटी पासवर्ड बना लेंगे, मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना रखा है, पासवर्ड ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया, और अगर आपके पास पहले से ही ये ऐप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में आएंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है ठीक है वो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पहले कोई आपने एफडी कर रखी है ठीक है, वो एफडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे क्या यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट में 5 FDs देखने को मिल रही हैं। आगे आएंगे हमारे पीएनबी बैंक में जो हमें जो क्रेडिट कार्ड मिला है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कोई और भी अकाउंट होगा यहाँ पर आपका तो वो भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, तो सारी जो है डिटेल पूरी देखने को मिलती है स्टार्टिंग में। पर अगर आप पहली बार आए हैं ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेस्ट वाला, इन्वेस्ट और अप्लाई वाला। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ओपन FDRD, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे ना तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन फिक्स डिपॉजिट, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है, सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके नीचे वाला ऑप्शन है अवेलेबल बैलेंस, आपके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डिपॉजिट अमाउंट आप कितने रुपये की FD करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप यहाँ पर जो है ना कम से कम 1000 रुपये की FD कर सकते हो। PNB बैंक में आप कम से कम 1000 रुपये की FD भी कर सकते हो, और उस पर भी आप 8% से ज़्यादा का ब्याज ले सकते हो ठीक है। पर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरे 50000 रुपये की FD करके दिखाऊंगा। आप 1 लाख की कर सकते हैं, 2 लाख की कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 करोड़ रुपये तक की FD पर आपको जो है 8.05% का ब्याज मिलेगा। तो 50000 रुपये की FD है। यहाँ पर FD का टाइप देखने को मिलेगा, एक है टैक्स सेवर, एक है नॉर्मल। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है ना नॉर्मल पर क्लिक करके रखेंगे, अगर यहाँ पर आपने टैक्स सेवर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपकी जो FD है वो फिर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए हो जाएगी, यानी कि लॉक इन पीरियड हो जाएगा, 5 साल से पहले आप अपनी FD से पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा बेस्ट प्लान, और यहाँ पर है कस्टमाइज प्लान ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहली मेंशन है कि मेरी जो एज है ठीक है, मेरी एज 60 साल से कम है, ऐसे में यहाँ पर ऑलरेडी इनको पता चल गया क्योंकि मैंने अपनी बैंक की डिटेल डाल दी यहाँ पर, तो मेरे लिए ऑफर निकल कर आया है कि 400 दिन की FD करेंगे तो 7.25% ब्याज मिलेगा। पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज़्यादा एज है, तो आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा 7.75%, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो ब्याज देखने को मिलेगा 8.05% ठीक है। देखो यहाँ पर पता चल गया कि हमारा जो ब्याज है वो 7.25% रहेगा, और 50000 की FD करने पर मैच्योरिटी अमाउंट जो होगी वो 54,098 रुपये होगी, यानी कि 4,098 रुपये का ब्याज मिलेगा, और मैच्योरिटी डेट होगी दोस्तों अगर आज FD करते हैं तो 8 अगस्त 2025 ठीक है। ये देखने को मिल गया, आप चाहो तो यहाँ पर कोई और भी प्लान ले सकते हो, 1 साल की FD पर ये है और 300 दिन की FD पर ये है ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल मिल जाती है, व्यू FD कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप कैलकुलेटर देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर है ऑटो रिन्यू ऑटो क्लोज, तो यहाँ पर आप ऑटो क्लोज पर क्लिक करके रखेंगे। अब ये ऑटो क्लोज वाला ऑप्शन क्या होता है कि जैसे ही 400 दिन पूरे हो जाते हैं और आपकी FD ऑटोमेटिक टूटकर आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, जिस सेविंग अकाउंट से आप इस FD को कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो क्लोज पर क्लिक करना है, नीचे देखने को मिलेगा FD इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन। अगर देखो आप इस ब्याज को ठीक है मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं, FD के पैसे पर लेना चाहते हैं, FD जब टूटेगी तभी आपको मिले, तो मैच्योरिटी पर क्लिक करके रखेंगे। आप मंथली ब्याज लेना चाहते हैं तो आप मंथली वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी ब्याज होगा वो हर महीने आपके उसी सेविंग अकाउंट में चला जाएगा जिस सेविंग अकाउंट से ये FD कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर क्वार्टरली है, 3 महीने का ब्याज ले सकते हो, तो वो भी आपका हर 3 महीने में जो ब्याज है सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पर हम मैच्योरिटी पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा रिटेन नॉमिनी डिटेल ऑफ सिलेक्टेड डेबिट अकाउंट, यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो आपका नॉमिनी है क्या उसी को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो मैं यस पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया आप यहां पर देख सकते हैं मेरे जो नॉमिनी है उसका दोस्तों यहां पर जो है आपको नाम देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे पूरी डिटेल हमारी आ गई, मैच्योरिटी है ठीक है, सब कुछ आ गया। यहाँ पर आपको दोस्तों पार्टिशन विड्रोवल है, इस पर आप नो ही क्लिक रखेंगे, कुछ नहीं करना है ठीक है। तो सब कुछ देखने को मिल गया। अब यहाँ पर व्यू समरी पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही व्यू समरी पर क्लिक करेंगे सब कुछ आ गया कि डिपॉजिट अमाउंट 50000 रुपये है, 400 दिन की FD है, और डेबिट अकाउंट ये वाला है, इस सेविंग अकाउंट से पैसा जाएगा, ब्याज मिलेगा 7.25%, 4098 रुपये का ब्याज बन जाएगा हमारा 400 दिन में, और मैच्योरिटी अमाउंट 54,098 रुपये होगी, और 8 अगस्त 2025 को हमारी जो FD है वो पूरी हो जाएगी। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर TPIN पूछता है, यानी कि ट्रांजैक्शन पिन। तो आपने एक ट्रांजैक्शन पिन बनाया होगा, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है,
मैं यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पिन डालूंगा। ट्रांजैक्शन पिन डालते ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी जो है यहाँ पर एफडी हो जाएगी और हमारी सेविंग अकाउंट से 50,000 रुपये कटकर हमारी एफडी अकाउंट में जा चुके हैं। यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर हमारा एफडी नंबर है, यहाँ पर अकाउंट देखने को मिल जाएगा। 4 जुलाई 2024 को आज हमने एफडी करी है। डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, 400 दिन की एफडी है, ब्याज वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर है डाउनलोड का। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी एफडी का जो बॉन्ड है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीएनबी बैंक से मैसेज आ गया कि 50,000 रुपये की हमारी एफडी हो चुकी है और हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। सेव करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों व्यू सर्विस एंड होम। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इस बॉन्ड की रिसिप्ट को किसी को शेयर भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिसे चाहें आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो आपके पास ये जो है बॉन्ड की रिसिप्ट भी आ जाती है। मैंने शेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने ऐप पर जाऊँगा, होम पर क्लिक करूँगा, इसको मैं एक बार बंद कर दूँगा, ठीक है। मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। मैं दोबारा से दोस्तों जाऊँगा और पीएनबी वन जो ऐप है इसको ओपन करूंगा। और अभी हमारी जो 5 एफडी थी, अब आप देखेंगे हमारी कितनी एफडी है। सिक्योरिटी पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद 5 एफडी थी और अभी आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो एफडी है वो नंबर आ चुके हैं, आपको देखने को मिलेंगे 6। मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको पूरी 6 की 6 एफडी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 एफडी हमारी आ चुकी हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफडी अपनी देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप चाहो सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो देख सकते हो। हमारा जो बैलेंस था दोस्तों वो कितना था, 63,900 कुछ था और अभी आप देखेंगे 13,970 रुपये बचा है, यानी कि 50,000 रुपये की हमारी एफडी हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठकर अपनी एफडी को कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि भाई हमने एफडी तो यहाँ से कर ली पर हमें इमरजेंसी में अगर इस एफडी को ब्रेक करना पड़ा, एफडी को समय से पहले तोड़ना पड़ा, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी सीख लें एक बार। यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद दोस्तों फिर से ओपन एफडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर है प्री मेच्योर एफडी एंड आरडी क्लोज। ये वही सेक्शन है एफडी वाला जहाँ पर एफडी करते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जितनी भी एफडी हैं वो सारी की सारी देखने को मिल जाएंगी। इस पर है कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज योर एफडी आरडी, क्या आप अपनी एफडी को तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई अगर आप समय से पहले एफडी को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो ब्याज मिल रहा होगा, मान लो जैसे हमने 400 दिन की एफडी करी है तो हमारा ब्याज कितना है, 7.25%। तो अगर हम 400 दिन से पहले ब्रेक करेंगे तो हमारा जो 1% ब्याज है ना दोस्तों वो कम हो जाएगा और हमें ब्याज मिलेगा 6.25%। पहली मेंशन है यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है तो 95% तक पैसा आप निकाल सकते हो, 5% जो है आपका वो होल्ड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी है। तो ये देखने के बाद आप जो है यहाँ पर दोस्तों स्किप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाले ऑप्शन आते हैं एफडी आरडी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि कौन सी एफडी को आप तोड़ रहे हैं और जिस एफडी को तोड़ रहे हैं उसी नंबर को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा नाम देखने को मिल गया। यहां पर है अकाउंट टू बी क्रेडिट, जिस बैंक में आप इस पैसे को चाहते हैं उसको यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे 1 सेकेंड के अंदर ये एफडी टूट कर और ये पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों देखो, घर से ना एफडी करने का अपने मोबाइल फोन से ये बेनिफिट होता है कि ना तो हम बैंक गए और ना ही हमें बैंक में जाना पड़ा, हमने यहाँ पर एफडी कर भी ली और एफडी को हम 1 मिनट में तोड़ भी सकते हैं, उस पैसे को निकाल भी सकते हैं, हमें बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एफडी कर सकते हैं और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया है। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।